अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल लर्निंग टेक में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि मेरी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। तो आज की इस वीडियो में जो उनसे हम बैजेस को देखेंगे, ठीक है। बैज बेसिकली क्या होता है कि ये आपका एक बटन है, ठीक है। ये बटन के अंदर जिस तरह आपको फेसबुक पे जब मैसेज आते हैं कितने 1 2 3 कितने हो गए, तो उसमें हमारा क्या होता है कि बटन होता है और बटन के आगे यहाँ पर एक बैज लगा होता है जिसमें पता चल रहा होता है कि कितने आपके मैसेज आ गए, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आप देखें सिर्फ आपने सिंपल एक बटन बनाना है। मैं दोबारा से एक दफ़ा बता देता हूँ, सिंपल आपने क्या करना है, एक बटन बनाना है, ठीक है। लेस देन किया, बटन बनाया, ठीक है, ठीक है जी। अब बटन बना लिया यहाँ पे, ठीक है, बटन बन गया। इसमें मैं लिख देता हूँ मैसेजेस, MSSAGES, ठीक है। अब मैं यहाँ से चलाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे आ गया एक बटन बन के आ गया, ठीक है। अब मैंने अभी कोई इसको क्लास वगैरह नहीं दी, मैं बटन देता हूँ, बटन प्राइमरी बना देता हूँ, ठीक है। इसको क्लास दे देता हूँ, ALAWS क्लास, क्लास दे दी बटन, और बटन प्राइमरी ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसको हम देखें तो क्या होगा, अब रिफ्रेश करता हूँ, देखें इस तरह का बटन बन गया। मैं चाहूँ कि आगे आए, अगर पीछे आए तो मैसेज के पीछे हम डाल दें वो बैजेस, नहीं तो अगर हम आगे आ रहे तो आगे ही होता है बेसिकली। तो मैसेज के आगे, तो मैसेज ये लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे कर लें आप, मैसेज ये लिखा हुआ है ना, तो इसके आगे करना है, तो इसके आगे स्पैन का एक टैग लगा दें। स्पैन के टैग लगाने से होता है मतलब, तो ये देखें स्पैन, इसके अंदर हम क्लास बना सकते हैं। मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, SPA, ये देखिए SPAN स्पैन, ठीक है, स्पैन आ गया। अब इसके अंदर समझे, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ 2। अब आप देखें यहाँ पे देखें 2 लिखा हुआ आएगा, ठीक है। लेकिन ये देखें, ये सामने 2 लिखा हुआ आ गया, कोई खास कोई बैज नहीं आ रहा, कोई पता नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा है मैसेज 2 लिखा हुआ है, आगे इस तरह का बैज नहीं आ रहा कि कन्फर्म पता चल रहा। अब देखें मैं इसके अंदर इसी स्पैन में मैं क्लास देता हूँ, CLASS क्लास, और दे देता हूँ BADGE बैज, ठीक है। अब इस तरह मैंने बैज दिया, आगे मैंने इसको कोई बताया नहीं है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ और थोड़ा सा ये आगे हो गया, इस तरह हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको देता हूँ बैज प्राइमरी बैज, वो जिस तरह दूसरी BAD, ये देखिए बैज डेंजर वो रेड कलर का हो जाएगा, डार्क के साथ इन्फो लाइट, ठीक है। मैं करता हूँ इन्फो, तो ये देखिए अब आपने इसको देखना है, अब ये देखें ये, ठीक है। अब ये देखिए थोड़ा सा इसके अंदर ये, अब देखो तो ये साइड पे आ गया, ठीक है। थोड़ा मैं डेंजर करता हूँ तो आपको ज़रा ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ बैज BADGE बैज, BADGE बैज, और बैज डेंजर, ठीक है। अब रेड रेड कलर का वो नज़र आएगा, ठीक है, ठीक है, देखें रेड आ गया, अब ज़रा आपको क्लियर वाजे होगा, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए, ये थोड़ा रेक्टेंगल आ रहा है, मैं कहता हूँ ये ना सर्कल में आए, तो बैज पीले क्लास है, BADGE बैज, ये PALL, इसको लगाएं। अब आप ये देखें कि ये क्या हो जाएगा, ये सर्कल में हो जाएगा, ये देखें थोड़ा सर्कल बन गया, ठीक है, ये देखें, ठीक है। तो ये बैजेस के बारे में, तब बस इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। हम अभी फ़िलहाल तो स्टैटिक बना रहे हैं, जब हम PHP में जाएंगे या C# में जाएंगे तो उस वक्त हम यहाँ पर कौन सा ना खुद नहीं लिखेंगे, वो जो ऑटोमेटिक जो मैसेज आ रहे होंगे, जो डेटाबेस में जा रहे होंगे, वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह हम इसको करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, हम इसमें देखते हैं बैजेस, हमने देखे बैजेस बैजेस बैजेस, ठीक है, बैजेस को हमने देख लिया। प्रोग्रेस बार, पेजिनेशन, ठीक है, ड्रॉप डाउन और नेविगेशन बार, और ठीक है जी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ड्रॉप डाउन्स को देखेंगे, फिर नेविगेशन को, बार को देखेंगे, और फिर आगे हम फॉर्म्स को देखेंगे, ठीक है। ठीक है जी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाजमी उसको लाइक करें, शेयर करें, और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि नई वीडियोज़ आपको मेरी मिलती रहे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।